हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले पोको X2। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है गाइस, टच वर्क नहीं कर रहा है और कस्टमर का कहना है कि मेरे हाथ से फ़ोन गिरा, फ़ोन फूट भी गया, टच वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने अभी इसके अंदर दूसरा डिस्प्ले डाल के चेक कर रहा है किया है क्योंकि उसके बाद उसका डिस्प्ले फूटा है पुराना, तो उसके बाद भी नया डिस्प्ले डालने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है, यानी नया नहीं, हमने दूसरे फ़ोन का डाला था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर गाइस आता है प्रोसेसर से, तो सबसे पहले हमें प्रोसेसर कटिंग कर लेनी है पूरे चारों कोने। देख लीजिए इस तरीके से कटिंग करनी है, एकदम आराम से करना, कोई घाई नहीं है। ठीक है, अब हो चुकी है हमारी कटिंग। अब सीपीयू गर्म करते हैं और ब्लेड की मदद से सीपीयू को ऊपर उठाते हैं टूल की मदद से। तो देख लीजिए नीचे से बबल भी आ रहे हैं सीपीयू के, तो गए गर्म हो चुका है अच्छा खासा। चलिए उठा चुके हैं हम सीपीयू। अभी सबसे पहले हम ये पूरा क्लीन अप कर देते हैं ग्लू वगैरह कटिंग करके, डिसोल्डिंग वायर से पहले हम पूरा साफ कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो शोल्डर लगा है हमारा। देखिए जिस तरीके से आपको भी क्लीन करना है, तो अपनी ग्लू जो है हमें टूल में जाते बाकी निकाल लेते हैं। देखिए जी प्रॉब्लम साफ हो चुका है हमारा। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं पूरा। देखिए जी इस तरीके से। तो ये क्लीन हो चुका है हमारा पूरा, तो अभी हम इसे पाई की मदद से पूरा क्लीन कर लेंगे। तो कहीं और कहीं ग्लू होगा तो उसको भी क्लीन कर लेंगे, तो कहीं दिख रहा नहीं लगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है हमारा बोर्ड। तो एक बार कहिए की मदद से साफ कर लेते हैं शोल्डर की मदद से। देखिए जी हो चुका है हमारा क्लियर। अब हम सीपीयू साफ करने वाले हैं, इसको पहले हम पकड़ लेते हैं सीपीयू। चलिए अभी से क्लीन कर लेते हैं, पहले पेस्ट लगाएंगे थोड़ा और शोल्डिंग वायर की मदद से क्लीन कर लेंगे। अभी टूल से साफ कर लेंगे थोड़ा। देखिए जी ग्लू कट हो रहा है। तार की ब्रश से भी साफ कर लेंगे हम तार के ब्रश की मदद से। तो उससे होगा क्या, ये जो पॉइंट ड्राई है हमारे सीपीयू के, वो अनड्राई होके पूरे प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे। अब आ जाती है हमारी सीपीयू रिवॉल्व करने की बारी, तो अभी हम सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं इसका। अगर आपके पास कोई फ़ोन होगा रिपेयर के लिए तो आप ये नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी का मॉडल कोई भी रहे, हमारे हर तरह के फ़ोन रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होल से होल मिलाना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, चल जाता है। ठीक यार, ये हिल रही है स्टेंसिल, बहुत हिल रही है, शायद बने ना बॉल प्रॉपर। देखता हूँ एक बार ट्राई करके, चलो हिट मारते हल्के हल्के। स्टेंस रख गई है गाइस, फिर से बनाने पड़ेंगे हमें शीट। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो मॉडल रिपेयर के लिए, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और फ़ोन रिपेयर के लिए ज़रूर डालिए हमारे पास। आपको जो भी है पार्सल कैसे क्या लगाना है पूरी डिटेल बता दी जाएंगी। तो अगर अभी तक क्या आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाए। तो अभी हम फिर से एक बार सीपीयू लगाने पे आ जाते हैं गाइस, क्योंकि हमारा सीपीयू बिगड़ चुका था जब भी। ये थोड़ा हमारी स्टेंसिल जो है एक्चुअली मेरे ख्याल से ख़राब हो गई है, बराबर बैंड हो गई है हल्की सी, इसकी वजह से तकलीफ दे रही है। तो चलिए फिर से एक बार रिवॉल्व करते हैं। चलो इस बार थोड़ा ठीक रहा, थोड़ा सरका लेते हैं। ठीक है, अभी इसको दो बार हम और उसको करेंगे, अभी एक बार और पीपीडी भरेंगे, इसके बाद एक और बार भरेंगे, फिर हो जाएगा हमारा सीपीयू के बॉल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है, इसके बाद दूसरा टाइम, फिर बॉल हमारे बन जाएंगे। तो देख लीजिए अभी वैसे बॉल नॉर्मली ज़्यादातर हो ही गए अच्छे खासे, लेकिन यार एक यहाँ गड़बड़ हो गई एक बॉल में, चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं अभी। अब हो जाएंगी, देख लीजिए गाइस तीन बॉल नहीं बने थे बराबर, तीन से चार, तो अब बन जाएंगे वो बॉल। देख लीजिए अब बन चुके हैं बॉल बराबर। तो अभी हम सीपीयू को फटाफट साफ करते हैं
थिनर की मदद से और फटाफट मदरबोर्ड में फिट करते हैं। तो इस तरीके से भी आपको क्लीन कर लेना है, थोड़ा भी प्लग्स लगा के हिट मार लेंगे तो इससे होगा ये जो बॉल जगह पे नहीं होंगे प्रॉपर जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको भी हिट मार लेना है। तो अब आ जाते हैं हमारे पीसीबी की ओर, अब आ जाते हैं पीसीबी की तरफ। ये अभी आईसी आप लगाने से पहले आईसी का नॉइज़ जहाँ है वहीं लगाइएगा। तो हमारे केस में आईसी का नॉइज़ इधर साइड है, हमारे लेफ्ट हैंड में नीचे साइड है, तो अभी हम उधर ही साइड इसका नॉइज़ लगाएंगे। देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए नॉइज़ कहाँ है, आपको दिख रहा है? लेफ्ट हैंड पे नीचे साइड में बताया था आपको, दिख रहा है? नॉइज़ हम वहीं लगाएंगे प्रॉपर। तो ये आईसी भी एकदम परफेक्ट रख लेना है जगह पे, चारों कोने मिला के। तो ये आईसी हमने रख चुके हैं, अब इसके बाद हल्की हल्की हिट मारनी है हमें और एयर कम रखना है। अगर एयर ज़्यादा रहेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी आईसी जो है हिल जाएंगी जगह से, तो इसलिए हमें एयर कम पे ही काम करना है। तो देख लीजिए, बस आईसी सीपीयू जो हमारा है वो बैठने ही वाला है और हमारा नया फोल्डर भी आ चुका है। तो अभी हम इसे नए फोल्डर से ही टेस्ट करेंगे, जो हमारा ओल्ड फोल्डर था वो दूसरे कस्टमर का हमने चेक करने के लिए लिया था डिस्प्ले। तो चलिए, सीपीयू बन चुका है हमारा, नया फोल्डर भी आ गया है, अभी हम इससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी फ़ोन चालू हो रहा है हमारा, देख लीजिए गाइस हमारा फ़ोन ओके हो चुका है। अगर आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हूँ। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।